नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी एंड गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों देखिए, हम अपने प्लांट की अच्छे ग्रोथ के लिए जब उसका सीज़न होता है तो हम उसकी कटाई और छटाई करते रहते हैं, उसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। जैसे भी जो भी हमारे गर्मी के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, गर्मी का कोई भी प्लांट होता है, तो गर्मी आने से पहले हम उसकी कटाई छटाई करते हैं, उसको अच्छे से खाद देते हैं ताकि पूरी गर्मी वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। ऐसा ही हम विंटर्स में भी करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग ज़रूरी होती है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, लेकिन दोस्तों अगर आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, आपने उसकी कटिंग प्रूनिंग भी कर दी है, तो हो सकता है आपके प्लांट की रूट बाउंड हो गई हो। जैसे कि इस मेरे स्पैरेगस फर्न की हो गई है। स्पैरेगस फर्न जो है बहुत प्यारा सा प्लांट होता है। इसकी ये लीव्स देख सकते हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इस प्लांट को आप क्या होता है डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं दो हिस्से में अगर काट लूँ तो इससे मेरे दो प्लांट बन जाएंगे, या फिर इस प्लांट की जो बल्ब निकलते हैं आप इन बल्ब्स को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई प्लांट है जिसका रूट बाउंड हो गया, इस तरीके से रूट बन गई है, तो भी गमला छोटा होगा ना, पूरे गमले को ये कवर कर लेगा, पूरी गमले में ये जड़ें फैल जाएगी, तो भी उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए हमें इसकी जो जड़ें होती हैं उसकी भी प्रूनिंग करनी होती है। ये देखिए इतने सारे मैंने ये अलग किए हैं बल्ब, देख सकते हैं इतने यहाँ और पड़े हैं, ये बल्ब्स मैंने अलग किए हैं और ये इसकी जो है थोड़ी थोड़ी मैं प्रूनिंग कर रही हूँ। प्रूनिंग कैसे करते हैं, ये एक्स्ट्रा जो आपको मिट्टी दिख रही है, ये एक्स्ट्रा जो आपको ये जड़ें दिख रही है, आप इनको इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने ये देखिए ये हिस्सा अलग कर लिया है। ये इतने सारे बल्ब्स हैं, इनको मैं लगा दूंगी जिससे और भी प्लांट्स बन जाएंगे। ये देख सकते हैं कितने सारे बल्ब्स हैं ना, एक बल्ब से भी बहुत अच्छा सा प्लांट ग्रो हो जाता है, ये तो इतने सारे हैं। और इसकी हल्की हल्की मैंने मिट्टी हटा दी है और थोड़ी थोड़ी जड़ों को थोड़ी थोड़ी मैंने कट कर दिया है। जो बड़ी बड़ी जड़ दिख रही थी ना, ये देखिए है ना, ऐसे मैंने इनकी कटाई छटाई कर ली। अब क्या है, मिट्टी गमले को पूरा खाली करके नीचे फिर से ड्रेनेज होल सही करके वहाँ पे ठीकरी लगा दी है, मिट्टी लगा दी है, और अब इस गम जो है इसको हम आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी भी देख सकते हैं ये मुश्किल से इसके अंदर आ रहा है, तो उसकी थोड़ी सी कटाई छटाई हमें और करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी झाड़ दी है और थोड़ी सी जो है इसके बल्ब्स निकाल लिए हैं, और थोड़ी सी ये जो इसकी जो है ये जड़ें इनको मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है। एक्स्ट्रा दिखती हैं आपको, आप इनको कट कर दीजिए। ऐसा करने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो उस वक्त उसका सीज़न होना चाहिए, है ना। जैसे कि अब इसका ग्रोथ का सीज़न है तो ये फिर से ग्रो हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसका सीज़न नहीं हो, जैसे कि अगर आप ये काम सर्दियों में करते हैं तो जो है ये आपका प्लांट थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। इस तरीके से मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दी है, इसकी जड़ों की प्रूनिंग कर दी है। अब मैं इसको वापस गमले में शिफ्ट कर दूंगी और फिर से ये जो मिट्टी है इसके अंदर चाहें तो खाद मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे ही डाल सकते हैं, इसमें खाद मिक्स है। तो मैं इसको वापस प्लांट में डाल दूंगी इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से वापस से मैंने पॉट में मिट्टी डाल दी है, ये देखिए, और ऊपर थोड़ी थोड़ी मैंने जगह छोड़ी है ताकि जब इसको पानी दें तो पानी अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरीके से प्लांट की जो है हम जड़ों की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है, आपको मैंने बताया कि हम लोग जो जड़ें होती है उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों जब हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपका प्लांट थोड़ा सा शॉक में चला जाए, 5-10 दिन थोड़ा सा मुरझाया हुआ सा रहे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप इस प्लांट को थोड़े दिन शेडेड एरिया में रखिए, फिर से वापस से सही हो जाएगा। हो सकता है ये सही भी रहे, हो सकता है थोड़ा सा ये थोड़ा सा मुरझा जाए, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। आप इस प्लांट को थोड़ा सा शेडेड एरिया दीजिए, कुछ दिनों में ये वापस से रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्लांट की जो है अगर रूट बाउंड हो गया है तो उसको सही कर सकते हैं। और ये जो मैंने इसके बल्ब निकाले हैं इसको मैं फिर से ग्रो कर लूँगी ताकि मेरे और भी प्लांट्स बन जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।